जय भारत। हाई कोर्ट में जो याचिका लगी थी नर्सिंग भर्ती 2013 की, उसमें नोटिस जारी हो चुका है और अभी सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा है। पहले जब समझौता हुआ था तो मंत्री सुभाष गर्ग साहब ने कहा था कि आप याचिका लगा दीजिए, हम वहां आपके पक्ष में जवाब देकर आपके हित में निर्णय करवा देंगे, जिससे इन बेटियों को, इन बहनों को न्याय मिल जाएगा। और रात को जब 23 फरवरी को समझौता हुआ था तो सिर पर हाथ रखकर वादा किया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है मंत्री अपने वादे से मुकरते जा रहे हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि प्रियंका गांधी जी का कहना है उत्तर प्रदेश पे कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, बेटियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो अब कल सुबह 12 बजे उत्तर प्रदेश के लिए कूच कर रहे हैं, तो तमाम अभ्यर्थी, तमाम वो बहने विजयपाल और विनोद जी से बात करके कल सुबह 12 बजे 1 बजे निकल जाए और परसों यानी कि 27 तारीख को 8 बजे लखनऊ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंचे। वहीं हम लोग बैठेंगे, वहीं अनशन करेंगे, वहीं वादा याद दिलाएंगे, वो सारे तस्वीर लेके जाएंगे, क्योंकि अब हाई कोर्ट में इनका आदेश नहीं, इनका जो जवाब नहीं जाएगा जब तक भर्ती कुछ नहीं होगा, ये नेगेटिव जवाब दे देंगे तो वो याचिका खारिज हो जाएगी। इसलिए इन्होंने जो वादा किया था वो वादा पूरा करे, अभ्यर्थियों के याचिकाओं के पक्ष में वो जवाब दे, जिससे यह भर्ती पूरी हो सके और उन बेटियों को, इन बहनों को न्याय मिल सके। तो इस ऑडियो के माध्यम से तमाम अभ्यर्थियों से, तमाम बहनों से यही निवेदन है कि आप तैयार हो जाओ और कल निकल जाओ, ये लड़ाई अंतिम है, क्योंकि अभी चुनाव है उत्तर प्रदेश में और वहां प्रियंका गांधी जी जगह जगह महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात करिए। अब उनकी भी परीक्षा है कि आज इतनी बहने वहां जब जाकर बैठेंगी, अनशन करेंगी, तो उनको सुनना पड़ेगा और यहाँ मुख्यमंत्री जी को, राज्य सरकार को उनके पक्ष में जवाब देना पड़ेगा। ये लास्ट मौका है, करो या मरो की स्थिति है। मैं भी, क्योंकि अब मेरा आंदोलन लास्ट चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मेरा अंतिम आंदोलन है, तो मैं चाहता हूँ कि इस अंतिम आंदोलन में इन बहनों को न्याय मिल जाए, क्योंकि मैंने बहुत पहले बहुत प्रयास किया था, बहुत साथ दिया था, ये मेरी दिल की इच्छा है। प्रदेश के 2 लाख बेरोजगारों को आज तक नौकरियां मिली है मेरे सहयोग से, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी जीत होगी यदि इन बहनों को नौकरी मिलती है। तो पहले भी हम उत्तर प्रदेश जाने का प्लान बनाया था, उस समय हमने बहुत बड़ी गलती की थी जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा था। लेकिन अभी आपने देखा होगा कंप्यूटर भर्ती के 60 लोग गए थे, प्रियंका गांधी जी से मिले थे, क्योंकि वो संविदा पे कर रहे थे, लेकिन उसको प्रियंका गांधी जी ने मुख्यमंत्री जी को बोला और वो भर्ती स्थायी तौर पर आ रही है, यानी कि उनको 60 लोगों की जीत मिल गई। तब हम सैकड़ों की संख्या में जाएंगे, तो प्रियंका गांधी जी को सुनना पड़ेगा और प्राथमिकता के साथ सबसे पहले नर्सिंग भर्ती 2013 की मांग रखी जाएगी। तो सभी बहनें और भाई बहन कल निकले और उत्तर प्रदेश लखनऊ परसों सुबह 8 बजे कांग्रेस कार्यालय के बाहर मिले। इस ऑडियो को ज्यादा वायरल करें, पूछे लास्ट है, मैं भी फिर इसके बाद आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, लास्ट पर आप लोगों की मदद कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को न्याय मिल सके, आपके सपने साकार हो सके। धन्यवाद। 2013 के सभी मेरे भाई और बहनों को नमस्कार, गुड इवनिंग। भाई और बहनों, कल आपको बताया था, नाइट को मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था कि सरकार अगर अपनी मांग नहीं मानती है तो अपन यूपी के लिए कुछ करेंगे। और यूपी में जो कांग्रेस कार्यालय है लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय है, वहां पे सभी मेरे भाई और बहनों को आना है, क्योंकि कल मैंने बता दिया था आपको, अगर कोई मेरे भाई और बहन ऐसे सोच रहे हैं कि अपना काम ऐसे हो जाएगा, तो देखो लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये लास्ट दम तक लड़ेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से यूपी वाला अपना लास्ट प्रोग्राम होगा, क्योंकि अब यूपी में चुनाव है। जब कंप्यूटर साई की बढ़ती सरकार अस्थायी रूप से कर रही थी, अस्थायी कर रही थी, और सिर्फ 50 बंदे वहां गए और वो स्थायी भर्ती हो रही है 10,000 के समथिंग। तो इसलिए देखो यूपी में चुनाव है और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं, और आपको पता है एक महिला होने के नाते प्रियंका गांधी आपकी आवाज सुनेगी। तो तमाम मेरे राजस्थान के भाई और बहनों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि कल 12 बजे सभी अपने अपने घर से निकलें और 27 तारीख को 8 बजे लखनऊ पहुंचे कांग्रेस कार्यालय, क्योंकि ये सरकार यहां पे आज लास्ट टाइम था। परसों दानिश अबरार जी जो सीएम साहब के सलाहकार हैं वो आए थे धरने पे, उन्होंने कहा था कि 2 दिन का टाइम दो, तो आज वो फोन ही नहीं अटेंड कर रहे हैं। इसलिए देखो मेरे भाई और बहनों, थोड़ा सोचो, ये सिंगल पर्सन, सिंगल बंदे का कोई सवाल नहीं है, आप सबका सहयोग होगा, आप सबका साथ होगा, तो जीत 100% होगी, ये आप सबको पता है। वहां पे किसी प्रकार की आपकी परेशानियां नहीं होने देंगे,
क्योंकि देखो जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आते हैं, इतना बड़ा मुद्दा स्टार्ट कर लिया है तो देखो इसको मंजिल तक पहुंचाएं। सभी जो लीडर्स होंगे, आपको बताया था कि आप सभी लीडर्स से बात कर लेना, हर डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर्स मैंने आपको बताए थे उनसे बात करना और उनको बोलना किस हिसाब से चलना है, क्या सुविधा है क्या नहीं है, वो आपको अपने आप बता देंगे। तो तमाम मेरे राजस्थान के भाई और बहनों, इस बात को थोड़ा गौर से सुनो, परेशानियां खूब हैं, हम भी बहुत दुखी हैं, ये सब आप सबको पता है। आपको तो अब देख लो एक साल होने के, 23 फरवरी को जो समझौता हुआ था उसके बाद में शायद मैंने किसी भाई बहन को किसी प्रकार के धरने पे नहीं बुलाया, क्योंकि सुभाष जी गर्ग ने कहा था कि कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में मेरी सहानुभूति आपके साथ है। जब अपना वकील नोटिस जारी कर दिया, सरकार को जवाब देना है, आज 2 महीने हो गए अभी तक तो किसी प्रकार का कोई जवाब दिया नहीं है। इसलिए देखो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पहुंचो, काम सबके होते हैं, मेरे भी शादियां हैं, अंकल के लड़के की भी शादी है, लेकिन नहीं अटेंड कर पाऊंगा क्योंकि आपका भविष्य मुझे दिखाई दे रहा है कि कैसे भी करके मेरे भाइयों और मेरी बहनों का भविष्य 2013 में है, इनके लिए कुछ करते हैं। इसलिए तमाम मेरे राजस्थान के भाई और बहनों आपसे विनती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल 12 बजे रवाना होना है, 27 तारीख को सुबह 8 बजे लखनऊ पीसीसी कार्यालय है जो कांग्रेस कार्यालय है वहां पे अपन बैठेंगे। उपेन भाई साहब निकल गए हैं, मेरी बात हो गई, वो बोल रहे हैं कि कैसे भी आप सबका सहयोग आप सबका साथ रहा तो आपकी बढ़ती 100% में करूं। इसलिए तमाम मेरे भाई बहनों थोड़ी बात पे गौर करना, ऐसे ना हो जाए कि अपनी स्ट्रेंथ कम रह जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी, आपको पता है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस सरकार, तो प्रियंका गांधी एक महिला होने के नाते, क्योंकि यूपी में 40% महिलाओं को टिकट दी जा रही है, इसलिए देखो आपकी बात सुनेगी और 100% अपना काम होगा। इसलिए देखो किसी प्रकार की किसी के कोई असुविधा हो तो मुझे पहले बता देना। जो लीडर्स भाई बहन है उनको मैंने कल बोला था मुझे लिस्ट चाहिए शाम को, अभी तक तो मेरे पास उनका कोई किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं आया है, किसी प्रकार की कोई लिस्ट मेरे पास नहीं आई है। ऐसे न हो जाए कि बादल को देख के घड़ा फूट जाए। इसलिए देखो मैंने कल भी अवगत करवाया था, आज फिर अवगत करवा रहा हूं, और कल 12 बजे काफी टाइम मिल गया अपने पास, इसलिए देखो थोड़ा ध्यान दो। आपसे विनती है, निवेदन कर रहा हूं कि कैसे भी करके अपना भला हो जाए, आगे की जो भी प्लानिंग होगी आपको बता दी जाएगी, लेकिन कल 12 बजे अपने को चलना है, क्योंकि सरकार अपनी बात नहीं सुन रही है, 2 दिन का टाइम दिया था, मंत्री फोन उठा नहीं रहा, अब क्या करें, परेशानियां हैं, अभी भी नाइट को ठंड में निकल रहे हैं, अब क्या करें, परेशानी खूब है, लेकिन थोड़ा ध्यान दो। मैं आपसे बार बार विनती इसलिए कर रहा हूं कि आपका भविष्य 2013 में है, मैंने इतना बड़ा मुद्दा उठा लिया है और कैसे भी करके आपको मंजिल तक पहुंचाऊं, और इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कि ऐसे नहीं है कि मुझे खुद को जॉब लगना है, मुझे जॉब नहीं लगना है, लेकिन कैसे भी आप भाइयों का आप बहनों का भला हो जाए। नर्सिंग भर्ती 2013 के सभी मेरे भाई बहनों से मैं निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।